नमस्कार दोस्तों, गोहिल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं उषा एल्यूर में आपको कहां कहां पे ऑयल करना है और वो कैसे करना है, वो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको शटल में जो ऑयल करना है उसका हम बता देते हैं। ये आपको कवर खोलना है। कवर खोलने के बाद में इसको खोल दीजिए, डब्बी को बाहर निकाल लीजिए, डब्बी को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद में आपको ये जो दो बटन दिख रहे हैं उसको खोल दीजिए। अगर आपके ये आपका शटल बाहर आ चुका है, ये देखिए, इसके बाद में आप इसको शटल को साफ कर दीजिए और अंदर की साइड पे आप उसमें अब उसमें आप ऑयल रख दीजिए। ये जो खाँचा दिख रहा है आपको, वो खाँचे में आपको ऑयल लगाना है। इसके अंदर आपका शटल चलता है। अब हम आपको उसको शटल लगा के बताएंगे। वापस उसको फिट करने का तरीका आप देख लीजिए। ये खाँचे में आपको शटल बिठा देना है। उसके बाद में ये जो रिंग है, रिंग में एक खाँचा दिया गया है। ये जो पट्टी है, पट्टी वाला भाग ऊपर की साइड पे और इसके अंदर एक खांचा जो है, जो ये खांचा दिखाया है, वो खांचे वाला भाग नीचे की साइड पे, ये उल्टा बैठेगा ही नहीं। और अभी आपको ये दो बटन दबा दीजिए, उसके बाद में इसके अंदर बॉबिन केस डाल लीजिए। ये आपको हफ्ते में एक आध बार इसमें ऑयल करते रहेंगे तो आपका मशीन अच्छा चलेगा। अब आपको दूसरा एक पॉइंट बता देते हैं। ये जो पार्ट दिया गया है, ये जो पार्ट्स हैं, वो आपको कभी एम्ब्रॉयडरी करनी हो तो इसको आप नीचे ले सकते हैं और एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। हम आपको उसको प्रेस करके बताएंगे। ये अंडर की साइड जाते ही ये डाटी आपकी नीचे आ गई है, देखिए। देखिए, ये आपकी दाटी अभी ऊपर नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको यहाँ से नीचे किया हुआ है। अब हम आपको उसको वापस ऊपर करके बताएंगे। ये फंक्शन जो है एम्ब्रॉयडरी के लिए काम में आता है। देखिए, अभी ये दाटी कपड़ा खींच पाएगी। अब कहाँ और दूसरी कहाँ पे भी ऑयल करना है, इसके लिए अभी हम आपको दूसरा बताएंगे। ये जो नीडल बाल चल रहा है उसमें आपको ऑयल रखना है। इससे इसकी लाइफ एक दो बूंद रख के आप चला लो, उससे आपके मशीन की लाइफ बनी रहेगी। और दूसरा, आपको ये कवर खोल के भी हम आपको बताते हैं, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो। ये देखिए, ये प्लास्टिक में एक खांचा दिया गया है, वहाँ से आप उसको प्रेस कीजिए तो ये प्लास्टिक का बटन आपका बाहर आ जाएगा। इसके अंदर एक स्क्रू है, ये स्क्रू खोलने से आपका मशीन का आगे का कवर खुल जाएगा। ये देखिए, आपको उषा एल्यूर की पूरी मैकेनिज्म हम आपको बता रहे हैं। अब आपको इसके जहाँ जहाँ भी लोहे के पुर्जे हैं वहाँ पे ऑयल करना है। एक यहाँ पे आप कर दीजिए, ये पिन में भी चलता है। बाद में निडल बार के ऊपर की साइड पे भी आप कर दीजिए। उसके बाद में अंदर जो लिंक दिया गया है उसमें भी थोड़ा ऑयल रख दीजिए। टेकअप लीवर है उसके पास भी ऑयल रख दीजिए। ये जितने भी पुर्जे चल रहे हैं उसके अंदर आप ऑयल कर सकते हैं। ये जो
फेडर का जो भी पार्ट्स है इसमें भी आप ऑयल रखोगे तो ये सब मूवमेंट आसान रहेगी। ये देखिए, तो हमने आपको उषा एल्यूर में जहाँ जहाँ पे भी मशीन को सर्विस करनी है और जहाँ जहाँ पे भी आप ऑयल कर सकते हो सब हम आपको बताया हुआ है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए आगे नए वीडियो बना सके और आपके लिए ला सके। हाँ, दूसरा कोई भी आपकी सवाल है तो आप हमें कमेंट बैंक बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो हम उसके ऊपर हो सके इतने जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।